प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ललितपुर में सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकझोंक भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ललितपुर में पुलिस के रोकने के बावजूद सिपाहियों ने घंटाघर से कलेक्ट्रेट परिसर तक नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में धरना देकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया, जिसमें ना तो शारीरिक दूरी का ध्यान रखा गया, वहीं कई लोगों ने भीड़ एकत्र होने के बाद भी मास्क नहीं लगाया, जिसके बाद पुलिस अब प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कह रही है। प्रदर्शन आज जो हमारे देश में और पूरे राज्य में रोजगार मिल नहीं रहा, युवा भटक रहे हैं और किसान आए दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, और यहीं जनपद ललितपुर में कहीं ना कहीं छात्र और नौजवान भी आत्महत्या करने में मजबूर है। ऐसा क्या कारण है कि लगातार अगर रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, ना दे पा रहे हैं, सरकार हर तरह से फेल है। हमारे जनपद में क्वारंटाइन के सबसे ज़्यादा मरीज भी बढ़ चुके हैं, उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा है, उनकी अस्पतालों में ना देख रेख हो रही है, आए दिन आज मृत्यु दर भी हमारे ललितपुर की सबसे अधिक है और मरीज पेशेंट भी सबसे अधिक है। आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या क्या आपकी मांग है? हमारी मांग नौजवानों को, युवाओं को रोजगार देना चाहिए, किसानों को उच्च दामों को फसलों की दाम मिलना चाहिए, और किसानों को लिए जो आज पूरे ललितपुर में 14,000 किसानों का बीमा रोका गया है, उन किसानों को जल्दी से जल्दी बीमा मिलना चाहिए। ललितपुर से शिब्बू राठौर के साथ अशोक सेन की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। और मैं हूं पूजा। अपने जीवन में हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और इस प्यार में जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी हमारे पापा भी हमसे नाराज हो जाते हैं, तो कभी कभी माँ भी हमको बुरा भला कह देती है, कभी छोटा भाई भी बड़े बोल बोल देता है, और छोटी बहन भी रूठ जाती है। जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं वो भी हमसे खफा हो जाते हैं। तो न्यूज बीके आपके लिए लाया है थैंक यू न्यूज बीके। तो बस अपने एहसास को न्यूज बीके के माध्यम से अपनों तक पहुँचाइए। थैंक्स न्यूज बीके।